प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ अध्यात्म और ज्योतिष में। आध्यात्मिक और ज्योतिष प्रसंगों के माध्यम से मैं आपको समय समय पर विभिन्न योग, विभिन्न मुहूर्त और अध्यात्म और ज्योतिष के विभिन्न प्रसंगों द्वारा समय समय पर आपको यहाँ पर विभिन्न चर्चाएं आप तक पहुँचाता हूँ। दर्शकों, आज इसी श्रृंखला में आपके साथ में मैं खास चर्चा को लेकर उपस्थित हूँ। यदि मैं इस चर्चा को प्रारंभ करूँ, इससे पहले यदि आप नए दर्शक हैं तो आप अध्यात्म ज्योतिष को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि समय समय पर आपको इसकी नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी और आप त्वरित हमारे साथ जुड़ पाएंगे। आज इसी खास चर्चा में आपके साथ में आज चर्चा करूंगा सूर्य से राहु से संबंधित कुछ योग को लेकर। यहाँ पर आप व्हाइट बोर्ड के जरिए आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको इस बोर्ड के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे ये विभिन्न योग का निर्माण होता है जब राहु के साथ में किसी ग्रह की युति होती है। राहु एकमात्र ऐसा नाम जिसके नाम लेने से भय आसपास पटकने लगता है, और हो भी क्यों ना, एक पापिक ग्रह, एक क्रूर ग्रह जब भी अपने छल और छद्म वेश से वहां पर प्रवेश करता है उसी स्थान पर भूचाल ला करके खड़ा कर देता है, अस्तव्यस्त माहौल बना देता है, इसीलिए भय होना भी सुनिश्चित है। लेकिन भय आपको अब नहीं करना है, क्योंकि आपको ऐसे स्थिर समाधान में यहां पर बताऊंगा कि आप राहु के दुष्परिणाम से बच पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ही मैं आपको आज एक खास बात यहां पर बता रहा हूं, क्योंकि राहु के साथ में जब भी कोई ग्रह बैठ जाता है, बड़े ध्यान से समझे, राहु के साथ जब भी कोई ग्रह बैठ जाता है तो वहां पर एक योग का निर्माण होता है। आज उसी श्रृंखला में मैं आपके साथ विभिन्न योगों की चर्चा करता हुआ आज एक नए योग का निर्माण, नए योग के बारे में आपको बता रहा हूं। पिछली वीडियो मैंने सूर्य ग्रहण योग आपको बताया, अब मैं आपको बता रहा हूं कि जब सूर्य राहु के साथ में चंद्रदेव बैठते हैं तो चंद्र ग्रहण योग बनता है। व्हाइट बोर्ड में मैं आपको क्रमशः राहु के साथ में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये सातों ग्रह जब राहु के साथ में बैठेंगे तो कौन कौन से योग का निर्माण होगा, वह योग का शुभाशुभ फल क्या रहेगा और उसके समाधान और उपाय क्या हो सकते हैं जिससे आप दुष्परिणाम से बच पाए। आज ऐसे ही इस योग की श्रृंखला में आज मैं अंगारक, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि सूर्य के साथ यदि राहु प्रवेश करते हैं तो सूर्य ग्रहण योग बनता है, यदि राहु के साथ में चंद्रमा बैठते हैं तो चंद्र ग्रहण योग बनता है, यदि मंगल बैठते हैं तो अंगारक योग बनता है, बुध बैठते हैं तो जड़ योग का निर्माण होता है। इन पर मैं आपको पिछले एपिसोड में लगातार वीडियोस बना चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं कि कैसे ये योग का निर्माण है, कैसे इसका फल शुभाशुभ प्राप्त होता है और क्या इसके रेमेडीज है, तमाम उपायों को वहां पर सरल सटीक उपाय में आपको बता चुका हूं। इसी श्रृंखला में आज मैं बात करूंगा देवगुरु बृहस्पति के साथ यदि राहु प्रवेश करते हैं, राहु युति करते हैं, राहु उनके साथ आकर के बैठते हैं तो क्या स्थितियां बन सकती हैं। व्हाइट बोर्ड के जरिए आप यहां पर देखें और इस बात को समझें कि राहु के साथ गुरु, राहु के साथ में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो इसी योग को कहते हैं चांडाल योग। ये योग कहीं पर भी बन सकता है, ये नहीं है कि हमने यहां पर एक राशि लिख दिया और इसी में राहु और बृहस्पति है तो इसका मतलब ये योग यहां पर बन रहा है। ये योग आपके 12 भावों के अंदर कहीं पर भी बन सकता है, लेकिन यदि पंचम में बनेगा तो निश्चित रूप से विद्या को प्रभावित करेगा। यदि ये फाइनेंस की स्थिति को डाउन करता है तो इन दो भागों में बैठने पर निश्चित रूप से करेगा, हेल्थ इश्यूज उत्पन्न हो सकते हैं अगर यहां पर बनेगा। सप्तम भाव में बनने से यह आपकी वैवाहिक जीवन की क्षमताओं को खत्म कर सकता है। नाइन्थ हाउस में बनने से आपके भाग्य को, आपके कैरियर को भी चौपट कर सकता है। मैं आपको यहां पर इस योग के द्वारा आपको भय नहीं, आपको इसका ज्ञान करवाना चाहता हूं। ये योग आपकी कुंडली के अंदर बन रहा है तो आपको क्या उपाय, क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, क्या आपको ऐसे दैनिक उपाय करने चाहिए जिससे आपका ये दोष आप पर प्रभावी ना हो, हावी ना हो। यदि बृहस्पति राहु के साथ में बैठते हैं तो वो ये चंडाल योग बनता है और ये वृत्ति को,
ये व्यक्तित्व को चांडाल जैसे बना देता है। तो लॉजिक यहां पर क्या बनता है, क्योंकि राहु एक निकृष्ट नीच वृत्ति के ग्रह हैं, छाया मात्र हैं, छद्म भेष धारण करके अपना प्रभाव आधिपत्य जमाते हैं, लेकिन वहीं बृहस्पति देवगुरु हैं, ज्ञान के दाता हैं, ज्ञानी हैं, मानी हैं, सम्मानी हैं, लेकिन उसी के साथ में जब ये छिल छल और छद्म करके यहां पर प्रवेश करता है तो ये उसको टामल टोल बना देता है, स्थिति डामाडोल हो जाती है, टाल मटोल की स्थितियां पैदा कर देता है, भ्रांतियां यहां पर व्याप्त कर देता है। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, एक तो देव गुरु बृहस्पति को यहां पर आपको पुष्ट करना है, राहु की जपादी से राहु की शांति आपको करनी है, और नियमित रूप से आपको केसर का तिलक आपके माथे पर लगाना होगा, ये इसका सरल उपाय हो सकता है। इसके साथ ही आप पीले कपड़े पहनते हैं, जैसे आज पीला कुर्ता हमने भी धारण किया हुआ है, तो पीत परिधान इसके लिए श्रेष्ठ माना गया, इससे देवगुरु बृहस्पति पुष्ट होंगे। आप चाहें तो पूर्णिमा का फास्ट रख सकते हैं, साथ ही साथ अगर आप चाहें तो बृहस्पतिवार के दिन भी उपवास रख सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखें कि देवगुरु ब्राह्मणों का आपको नियमित रूप से सम्मान करना चाहिए, एकादशी के दिन चावल न खाएं तो श्रेष्ठ है, लेकिन चावल का दान दें तो ये अत्यंत श्रेष्ठ है। भगवान बद्री विशाल में जब भी आपको समय मिले आपको एक बार अपना जो भी आपके पास भाव पुष्पांजलि है आपको एक बार वहां पर प्रकट अर्पण करना चाहिए, और भगवान श्री हरि से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे कुंडली के अंदर जो दोष है इसका निवारण और निराकरण हो सके, क्योंकि चंडालमय वृत्ति निश्चित रूप से विद्या में ये आपको हानि पहुंचाएगा, खासकर विद्या में जो है ये यहाँ पर हानि पहुंचाता है, पढ़ने में मन न लगना ये यहाँ पर सामान्य बात हो सकती है, कहीं ना कहीं करियर में रुकावट ये सामान्य बात हो सकती है, विवाह में हमेशा ये विलंब कराएगा क्योंकि बृहस्पति तो विवाह के लिए आगे बाप को पढ़ाते हैं, वहीं वहां पर राहु के साथ ग्रसित हो जाएंगे तो विवाह में लेट होगा, हो सकता है कि आपके विवाह में अगर यदि विलंब हो रहा है तो आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए, हो सकता है यह भी योग दुर्योग जो है उसमें उत्पन्न बाधा कर रहा हो। संतति में योग यदि कहीं ना कहीं बाधाएं उत्पन्न आ रही हैं, संतति नहीं आगे उत्पन्न हो पा रही है, उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हो सकता है यह भी दुर्योग आपके उसका एक कारण हो सकता है। इसलिए बहुत सारी स्थिति प्रस्तुति हो सकती हैं, वह आप एक जन्म कुंडली अध्ययन का विषय हो सकती है, यदि आप अपने जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो लगातार अध्यात्म और ज्योतिष के नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पर जो है अपने अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवा सकते हैं। आप तमाम दर्शक हमारे साथ बने रहे अध्यात्म और ज्योतिष की तमाम चर्चाओं के साथ में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।